तमाम तालबा व तालबात को मुबारक हो, क्योंकि ईद उल फितर के मौके पर बड़ी लंबी छुट्टियों का आगाज हो चुका है। बड़ी लंबी छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार ईद उल फितर के मौके पर तमाम तालबा व तालबात के हुकूमत ने दिल जीत लिया, क्योंकि इस बार लंबी छुट्टियां होने जा रही हैं। दिल थाम के बैठिएगा, जो जिस खबर का सबको इंतज़ार था वो खबर आ ही चुकी है। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करता हूँ किन किन इलाकों में कितनी छुट्टियाँ होंगी और किन अज़ला में छुट्टियाँ कब से स्टार्ट हैं और अब ख़त्म होनी है। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी से देखिएगा। शुरू में तमाम नाजरीन से यही गुजारिश करूँगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें, ताकि इस तरह की न्यूज़ की बरवक्त नोटिफिकेशन आपको मिले और आप रहें बाखबर। नाजरीन आपको पता चलें खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, तमाम तालबा व तालबात के दिल जीत लिए गए, क्योंकि इस बार ईद उल फितर के मौके पर लंबी छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है। इस बार भी छुट्टियां होने जा रही हैं, किन किन इलाकों में बताता हूं। पाकिस्तान भर के इलाके खैबर पख्तूनख्वा बन्नू पंजाब भर में आपको बताते चले लंबी छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस बार 8 छुट्टियों का आगाज़ होने जा रहा है, हालांकि ये तस्दीकी फैसला नहीं है, एक तजवीज़ के तौर पर वज़ीर तालीम ने कह दिया है कि 8 छुट्टियों का आगाज़ होगा। हालाँकि सबसे बड़ी छुट्टियों का आगाज़ होने जा रहा है, आज तक ईद उल फितर के मौके पर इतनी छुट्टियाँ कभी नहीं हुई। उम्मीद काफ़ी है कि ये फैसला कन्फर्म हो जाए, जो भी अपडेट है कि आप तक शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दें।